वाहे गुरु साहिब जियो। बिलावल महला पंजवा। अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग तिस पेटै हर राया। अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग तिस पेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे गुर कर ले आया। रहा शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, पतित पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया पर माया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया। मत भूलो मानुख जन माया पर माया, नानक तिस पद राखसी जो प्रभ पहराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो अटल, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश, शाम समय सत्संगत दा ए समा असी प्राप्त कीता है। गुरबाणी कीर्तन आप सरवन कर रहे सी, हुण अगले समय च गुर शब्द व्याख्या उस नाल असी सांझ पाउणी है, जिस अंदर बिलावल राग दे बचन चल रहे ने। महला पंजवा गुरु अर्जन साहब द्वारा उच्चारण किए गए पावन उपदेश सानू प्राप्त ने। इस पावन शब्द की व्याख्या बीते कल रहाओ दे पदे तो प्रारंभ की सी, अज विचार ते रहाओ दे पदे तो ही असी शुरू करांगे। पर जिवें वक्त इजाजत देगा, रेस्ट ऑफ शब्द जो है अगले पदे ने उहदे उह भी विचारांगे। गुरदेव जो इत्थे बयान कर रहे ने महाराज के, एह प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनेक बातां सब कर रहे गुर कर ले आया। एह प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, प्रतीत विश्वास है जिन्हों से बिलीव कहने। जदों ये बहुत डीप लैवल ते साडे अंदर विश्वास आ जाए कि गोविंद साडा असला है, अकाल पुरख वाहिगुरु उहदे विच्चों आए हाँ, उहदे विच समा जाणा आ, तो ये चीज़ का जप शुरू हो जाए, सिमरन शुरू हो जाए। तो मैं बीते कल भी बात की सी कि रैपीटिशन ही है, अपने आप नूं दसना, अपने आप नूं समझाउणा, अपने आप नाल गल करनी। अज मेंटल हेल्थ दे विच या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर दे विच इहदे उत्ते बड़ी बात की जा रही है कि बंदा अपने आप नाल सैल्फ टॉक नहीं करता, अपने आप नाल गल नहीं करता। साडी मुकामी रचना आनंद साहब, सारी बाणी पढ़ो, आनंद का मतलब ही हुंदा हाईएस्ट प्लेजर, जिहदा कोई मुकाबला नहीं गा। तो उस आनंद की प्राप्ति किवें हो रही है, जदों बंदा अपने आप नाल गल कर रहा है। सारी बाणी च सैल्फ टॉक है। असी शब्द पढ़ते हाँ, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, अपनी मत नाल गल हो रही। कॉन्शियस चेतना इंटलैक्ट मत के नाल एक डायलॉग जी क्रिएट कर रही है। तो
सतगुरु की अहमियत इस साडे अंदर एक्चुअली सिमरन का भाव भी है। जिवें मैं इन होर सरल करा, आप एक्सरसाइज करनी होए ना तो सोलो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप कल्ले सपोज करो किते जड़ा हैगा आ रनिंग करन लग गए, जॉगिंग करन लग गए, किते दंड बैठक मारन लग गए, कुछ इस रूप दे ते आपा एक्सरसाइज का जड़ा तरीका आ जड़ा उदा करन दा ढंग है वह भी बदल सकते हैं। सपोज आप कोई गेम प्ले करन लग जाने तो यह मनिया गया जेडे लोग गेम्स खेडते ने रूटीन दे विच खास करके हैल्थ बेनीफिट्स वास्ते वो हैल्दी होंदे ने, उन्हां दे वास्ते एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं रह जाती, एक लेयर एक्टिविटी हो जाती है। उन्हां दा उन्हां नूं दा बेनीफिट इतना वड्डे लैवल ते सिर्फ फिजिकल नहीं मैंटली भी हो जाता है। एक लैवल ते उन्हां वास्ते एक जिस तरह एक रिलीजियस एक्सरसाइज होंदी है, इहो जिहे टास्क चली जाती है। सो ये की है एक्चुअली है तो कैलरी बर्न करनी है, इन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, अपने अंदर कट्ठे हो रहे सारे टॉक्सिक्स पसीने के रूप में बाहर कढ़ने ने, जिहड़ा शरीर नूं सही रखना हैल्थी रखना। पर तरीकेकारता की है? तरीकेकारता है कि कहो जे एनवायरमेंट च इनवॉल्व हो जाना। इन बिन जिहड़ा सिमरन का यह पक्ष आ, इहदे विच एक पासे इंटलैक्ट खड़ा, एक पासे कॉन्शियस खड़ी है, तो गल हो रही है आपस के अहमियत दसी जा रही है सतगुरु की। एक ऐसा प्ले है, इन प्ले ऑफ लाइफ भी कहा जाता, प्ले ऑफ लव भी कहा जाता है। इस रूप दे एक जिस इस तरीके का डिस्कोर्स बंदे नूं करना आ जाए आप मुहारे अपने आप दे विच, ते उहदे अंदर अध्यात्मी तल दे उत्ते एक विकास होना शुरू हो जाता है। ये अज दा सानूं जो मतलब साइंटिफिक साइड तो जिहड़े लोग साडे नाल ह्यूमन बिहेवियर समझण समझाउण च मदद करदे ने, उहदे ते बड़ा फोर्स बड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं। महाराज जी का पावन बचन मैं कह रहा सीगा कि आनंद साहब बात हो रही है कि आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, मन मंडल स्टेट ऑफ माइंड या पूरा जिहड़ा साडा साइकी दा ग्राउंड है उहदी गल हो रही है, उहदे च वधाइयां पै रही ने, खेड़े आ रहे ने, चाह आ रहे ने। एक तरह दे नाल इह वी मन्निया गया जिहड़ी खुशी है इह बड़ी पॉजिटिव चीज़ आ, ते इहदे विच शुभता भी है। कदी भी अशुभ करके खुशी नहीं होंदी, गलत करके खुशी नहीं होंदी। गलत करके बंदा ईवन जे कुते कोई रिवेंज भी लवे किसी तो कोई बदलाखोरी च भी काम करे कुछ, जे वक्ती तौर पर खुशी भी होएगी तो जस्टिफाई करने वास्ते बड़ा एफर्ट पाना पएगा भी वाई आई डिड इट, क्योंकि वह उत्थे अंदर भाव दसेगा, विवेक दसेगा गलत किया ठीक नहीं किया, खुश क्यों हो रहा है, तेरे नाल कोई 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 कैवें करे खुश होएगा तू। हुण ये जिहड़ी ये ह्यूमन सेंस है, इहनूं तुसीं मार नहीं सकते। इस करके जो लोग कभी कई बार कुछ गलत राह से तुर भी पेंदे, नशे करन लग जाते, शराबा पीते, बहुत सारा अपनी कॉन्शियस चेतना नू मार के रखते, क्योंकि जे चेतना अवेयर हुई तो फिर चेतना ने कहना आ किया, मन का ग्राउंड सारे का सारा दुख नाल भर जाएगा। सो इत साहब कहते जीवन की एक सिद्धि दे विचो एक जीवन की प्राप्ति वाले पासे बात बनी है, ये प्रतीति है। ये भी रूप फिर बुनियादी बेनती कर दिना वा कि बिलीव है, विश्वास है, तो विश्वास भी दवाया जा सकता है किसी को। विश्वास तो कल भी बात हुई सी, कोई डीप लैवल से कन्विंस कर दे चीज़ सानू, कन्विंसिंग इस लैवल से आ जाए कि बंदा कहे भी ये एक्ट सब तो बेस्ट एक्ट है। ईवन जिवें सपोज करो मैं बीते कल ही मिसाल दे रहा सीगा कि बच्चे नू किसी ने कहता कि पढ़ाई करके की होंदा, कुछ भी नहीं, बंदे को पैसा होना चाहिए बस, बिजनेस करो, कारोबार करो किस तरीके दे नाल। आपां इसे हाजरी च एक वारी कहानी डिस्कस की सी, क्योंकि बात कहानी नूं मैं तां च करदा, कई वारी फिलोसफिकल चीज़ां भारियां लगदियां ने। उह कहिंदे कि राजा आ, थोड़ी पुरानी ट्रडिशनल वे नाल बात लिखी गई है सिख्यात्मक परिपेख च, ते तीन औलादा ने, तिने पुत्र ने तिना नूं बड़ा प्यार करदा है। हुण वडेरा हो रहा है, सोचदा है राज भाग दा वारस बना दें, पर बनावां किहनूं, तिने प्यारे ने, तिने पुत ने, एक नूं बनावांगा दूजा नाराज होएगा, जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए थी कोई। या जे तिना नूं वंडदे आ अगे छोटे छोटे राज आले दुआले बड़े बने फिरदे ने, एक होर तीन राज बन जाणगे आले दुआले दा, कोई दा किसे दा जोर पएगा वह कब्जा लेगा या आपस च लड़ी जाणगे। कंट्रोल एक नूं देवां राजसी सत्ता दे रूप दे ताकि सारा जिन्ना क हिस्सा एरिया है सारे ते कंट्रोल कर सके।
और आखिरकार पता भी तो लगे देना किनू है। खैर इस सारी कशमकश दे विच अपने वजीर नाल जिहड़ा एडवाइजर है उहदे नाल गल कीती है। वजीर ने राय दित्ती कहिंदा राजन मेरी गल मनो एक प्रीख्या कर लैने आ। वो कहिंदा ठीक है किवें? कहिण लगा आपां अज ही कोई बहुत औखा तरीका नहीं हैगा। उन्होंने कहा कि गल यह है शाम पै रही सी तिना बच्चों वजीर ने स्नेहा भेजता तिने युवराज आ गए राजे नू नाल लिया खजाने दे विच्चों 100 कह लो कि $100 या 100 rupees साढ़े उस पाशा दे विच खजाने चो पैसे कढ़े सोने दियाँ 100 मोहर उस समय दे विच हुंदियां या 100 रुपए होंगे जो उस रूप विच कढ़े ते कढ़ के वड्डे बेटे नू बुलाया तो उन्हों कहा भी लै फट। नाल ही एक वड्डा सारा उहदी महल दे विच कमरा आया ते उन्हों कहा भी आ कमरा तेरे कोल है कल पूरा दिन तेरे कोल है तू इस 100 दमड़े दे नाल इस 100 रुपए नाल 100 डॉलर्स दे नाल इस कमरे नू सारे नू भरना है ये तेरी परीक्षा है ये इम्तिहान तेरा लै रहे हैं कल पूरा दिन है तेरे कोल 100 नंबर तेरे कोल है करंसी दे रूप दे 100 डॉलर 100 रुपीस तेनू देते ने तू आ कम करना ठीक है जी। सेम दूसरे नू क्या गया वखरा कमरा दिता दुराडे आ तेरा कमरा है आ तेरा टास्क है 100 rupees। सेम थर्ड वन नू क्या गया क्या तेरा टास्क है ठीक है जी। राजा ये सब कुछ कह के शाम करी चल अपने जड़ा है आरामगाह चला गया। सोचा कल नू देखते हैं दिन चढ़िया राजे नू सारा दिन फिक्र रहा देखो किड़ा बच्चा की करता किस रूप दे उन्हां दा एक्ट किवें रहा। हुण जिहड़े साडे आले दुआले दे एडवाइजर हुंदे ने सलाहकार हुंदे ने साडा आले दुआले दा रहन सहन हुंदा उही साडे जीवन नू शेप दिंदा उन्हां दे विच साडा बिलीव बणदा क्योंकि संगत की गल हो रही है। ये वड्डे बेटे ने राइट वे वो अपने राइट वे दोस्तों को गया तो उन्होंने कहा भी कहिंदा भी $100 मिल गए ने आपां एक कमरा मिल गया कमरा भरना है तो इम्तिहान है तो मेरे ख्याल इम्तिहान चो पास हो गए तो राज मिलेगा पक्का। वो कहिंदे गल ही कुछ नहीं है 100 डॉलर तो बहुत होंगे 100 रुपया तो बहुत होंगे आप एक कम करते हैं आप सारे कमरे में पैसे ना ही भर देने। वो कहिंदे वो किवें? कह लगा बड़ा वधिया उन्होंने राइट वे जुए के अड्डे लै गए किसी कसीनो या गैम्बलिंग स्टेशन पर कह लो उत्थे क्या तू 100 लगाएगा 100 का 1000 बनेगा 1000 लगाएगा 10000 का 50 ये तो शाम तक तो पैसा ही पैसा जुआरी एवं सोचता जुआरी में एहसास नहीं होता मैं कोई जड़ा है नुकसान कर लगा उन लगता बड़ा बेनीफिट है। ओह इतने साड़िया क्योंकि जी गैम्बलिंग है भी बड़ी वीडी एडिक्शन है जो असं स्टडी करते हैं केस बाय केस सू पता लगता है भी एक जड़ा गैम्बलर है उन्हें अजे 100,000 नुकसानिया हो नुकसान किया कराया हो अपना तो उन्होंने दोबारा फिर तुम $10 दे दौ राइट में फिर लॉटरी बन जाएगा। कहेगा हाँ नहीं नहीं एक्चुअली ना मेरी पुराने उदो किस्मत नहीं चंकी हूँ खुल गई होनी लट्स हैव इट वो हर चीज़ में दाते लाई जाता। खैर वो दोस्तों ने क्या तो लैके चला गया हूँ उत्थे आप अंदाजा लाओ $100 के नाल जुआ खेडणगे तो की बनेगा। खैर दूसरे ने भी सेम वे नाल कीता वो भी $100 लिया सीधा अपने दोस्तों के कोल उन्होंने विश्वास दवाया भी देख गल है भी $100 इज नथिंग कुछ भी नहीं है इतने ये तो कुछ भी नहीं बन सकता शहर चाहो जहाँ कोई समान है ही नहीं गा बाकी बीते अगले कल असी चारा पता कर लेंगे सारा दिन शहर च लगे फिर सस्ती तो सस्ती चीज़ की है कमरा भर जे पूरा सारा आइडिया लगा समा पास हो ही गया टाइम शाम आ रही नेड़े हो कहिंदे कीता की जाए अखीर एक ने राय दी कहन लगा गल है शहर दे फ्रीज मिलने वाली चीज़ कूड़ा आ गंदगी कुछ क्या नहीं सिर्फ उन्हें क्या कमरा भरना कहते कमरा पूरा भरया होना चाहिए उन्हें क्या 100 रुपया दे कहते बट ठीक है 100 रुपये च मजदूर आ जाएंगे मजदूर लै आने आ कूड़ा फ्री है सारा भरते हैं कमरा बस गल बन गई एग्जैक्टली यो काम किया मजदूर बुलाए 100 रुपये ना सारा कमरा भरता नको नक। तीसरा वो भी अपने दोस्तों को गया उन्हें गल की उन्हें बड़े गौ दे सारी गल विचारी तो उन्हें क्या गल है ना ये कमरे की गल ना 100 रुपये खर्चन की गल गल है कि तेरी कैलीबर नू तेरे नू टेस्ट किया जा रहा है हुण इत्थे प्रूव करना है कि वाकई च तेनू समझ है तू गहरी समझ रखता है। कोई ना आप सोचते हैं ब्रेन स्टोरमिंग करते हैं कोई ऐसा काम करते हैं जहो जहा इम्तिहान उहदा जवाब उस तो किते वधिया होए
ताकि जिहड़ा इम्तिहान पाण वाला है एक बार उहदा सिर इस रूप च हिल जाए कि हाँ वाकई च भाई ये चीज़ बनती है। इस रूप आत्म विश्वास नाल भरे हुए लोगों ने इस रूप को डिसाइड किया। खैर अगला दिन पूरा बतीत हो गया, शाम पई, राजा किवें वेट करे, बड़ा उत्ते ईगरली जाना चाह रहा, देखना चाह रहा भी कमर च की बनया। वजीर नूं नाल लिया, राइट वे पहले कमरे च गया, जाके देखिया दरवाजा खुला है, अंदर कोई भी नहीं, खाली कमरा पिया। उसने आले दुआले आवाज़ दी, कोई आवाज़ नहीं आई, नौकर चाकर बुलाए, किधर पता लगा, गल यह है कि वह 100 रुपया लैके राती ही जुए दंडे से चला गया। वह तो रात ही उन्हें तो 1-2 घंटे 100 रुपया खत्म हो गया। उस तो बाद हुण तो कोल बचे ही कुछ नहीं गा, वह तो रोंदा कुरलाउंदा किसी गुट्ठ च बैठ के तुहानूं मूंह खाण दे काबिल भी नहीं रहा। उन्हें तो ता ही कहा मैं आके इहनूं किसी लैवल ते कन्फेस भी ना करा, आके भी मैं कोई गुनाह किया तो भज गया। वजीर ने कहा राजन तुहाडे सामने इहदे हिस्से कुछ भी पाएगा, जिवें आ 100 रुपया दात लाता सब कुछ ला देगा, खाली हो जाएगा सब कुछ। इस तो पहला कि यह दात ला के खलाच पावे सारा कुछ खत्म करे, तू ही समझ ला है उत्थे देला जिथे घट तो घट कुछ बच सकेगा। वजीर ने कहा गल ठीक है, समझ आ गई। खैर नाराज़ तो होया, दूसरे कमरे नूं वेखण वास्ते गया। जो कमरे के नेड़े गया, सड़हां आ रही, बदबू आ रही, नेड़े नहीं जाया जा रहा। वो खड़ा उत्थे कमरे तो थोड़ा दूर खड़े हुए ही वजीर ते राजे ने बुलाया, बेटा उरे आ, ये की कीता? कहना जी कमरा भरता। कहते भर तो दिता, पर भर कहदे नाल दिता? कहते कूड़े नाल, मजदूर 100 रुपए च लिया, फ्री च मिल रहा सीगा, सारा ही भरता, तुसीं कहा सी कमरा भरना। राजा मत्थे ते हथ मारदा, कहन लगा वजीर कहानी सारी खराब हो गई, ये तो बिल्कुल ना समझी दी मूर्तियां ने, पहला वह जुए च लगाता, दूजा गंदगी का ढेर ला के बैठा है, की करांगा, आखिरकार दिल छड गया। वजीर कहिंदा कोई गल नहीं, तीसरे कोल जाने आ, आखिरकार उत्थे जाके देखदे आ, फिर सोचांगे की करना। उन्नी देर तक काफ़ी शाम भी पै गई, अनेरा भी होने वाला हो गया, क्योंकि दो दे उत्ते काफ़ी टाइम लग गया। जदों उत्थे पहुँचे तो बेटा उत्थे मौजूद आ, ते कमरे दे अंदर वड़े, अंदर जाके की देखते ने कि कमरा तो खाली है सारा, सिर्फ वो चारे कॉर्नर जिहड़े कमरे दे उन्हां ते दीवे बाल के बैठा है, कुछ उन्हें धूफा वगैरह दिखाइया ने, खुशबू वगैरह हुई कमरे च, तो आराम नाल बैठा उत्थे अपना वेट कर रहा है। आके राजे ने पूछा कि बेटा तेनों टास्क दिता सीगा? कहन लगा जी फुलफिल करता है। वजीर कहिंदा फुलफिल करता है, कमरा तो सारा खाली है। कहन लगा नहीं जी, ध्यान नाल देखो, कमरा भरिया है, तुसी एक चीज़ नाल भरन लई कहा सी, मैं 2 नाल भरता है पूरा। वो कहिंदा 2 नाल इत्थे तक भी नहीं दिस रही? कहन लगा जी वजीर साहब ध्यान नाल देखो, कमरे की किसी जगह पर किसी गोठे तुहानू कोई हनेरा दिसदा है? सारा कमरा रोशनी नाल भरिया, देखो ध्यान दे नाल। तुसां कहा सी कमरा भरना, कमरा भरता है रोशनी दे नाल। वजीर मुस्कुराया, राजे नूं भी तसली होई। कहन लगा बेटा तू कह रहा सीगा कि एक दी बजाय 2 नाल भरता, दूसरा की है? कहन लगा दूसरा खुशबू, सारे कमरे च जिथे मर्जी देखो पूरी फ्रैगरेंस खुशबू फैली हुई है। वजीर ने कहा राजन बस यही अकल की खुशबू रख दी, यही रोशन दिमाग ही, जिमें कमरा रोशन आ रहा है तिथे बस नहीं, जो पैसे बचे कोई 2-4 रुपए खर्च होए, बाकी उन्हें क्या वजीर साहब आ खजाने च पा दौ, एक कीमती चीज़ है, मैं नहीं गवानी चाहिए। क्या राजन ये संभाल लेगा, ये तेरे खजाने भी संभाल लेगा, तेरी रियाया भी संभाल लेगा, तो बड़े वधिया तरीके दे नाल जिमें जिमें कमरे सारे रोशन करता है ना। मैं जी बेनती कर लगा हाँ, एक्चुअली गल यह है कि जे अकल की गल करिए, सियाणप की गल करिए, सोझी की गल करिए, तो ये साडा आला दुआला सानू देंदा, जिहो जी संगत इहो जी रंगत, जिहो जिहा साडा एडवाइस करदे उहो जिहा फिर साडा बिलीव बनता, विश्वास बनता जाता। जुआरी एक विश्वास है कि भाई जुआ खेडना है, धरती ते गंद फैलाने वाला भावें अपने अमल करके, वकारां करके, गल्लां बातां करके, वह विश्वासी है भी यही जीवन है जिहड़ा धरती उत्ते खुशबू वंड रहा, रोशनी वंड रहा, अकल का ही गाहक है, अकल ही दूजियां तो लै रहा, अकल ही दूजियां नूं दे रहा, सोझी दे उहदा कारोबार ही है, वह भी पक्के विश्वास है, जीवन की सब तो वैल्यूएबल चीज़ है, यह प्रतीत है, यही बाणी है, यही रब का नाम है।
सारी बाणी ये कह रही है रब ना है औगुणा तो बचण दा, रब ना है गुणा दे गाहक बनण दा। ये प्रतीत है, ये तो जप करना है, ध्याना इनू वार वार। जिन्ना सिमरांगे परपक्ता वधेगी, अहदनामा होएगा अपने आप दे नाल। बचन आया महाराज इत्थे एहसास कराउंदे कि यह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया। अनेक बातां सब कर रहे, बाकी यह है गलां बातां तो कोई भी माड़ा नहीं हुंदा। मैं बीते कल भी बात की सी, पर जिहड़ा गुरु का थॉट आ ये सिर्फ गल्लां नहीं गईयां, ये प्रैक्टिकल वे नाल सानूं सिखाया दर्शाया ते समझाया गया आ। जिवें गुरुद्वारा संस्था अपने आप दे इक अलाइव इंस्टीट्यूशन आ, जिवें असीं कहिंदे वी जिहड़ा साडा गुरु ग्रंथ साहिब नाल रिश्ता आ वो एक लिविंग कारपोरेट गुरु दा आ। ते कारपोरेट गुरु जिहड़ा है ग्रंथ ते पंथ दी ताबेदारी दे विच है, कम्यूनिटी दे रूप दे विच असीं लाइफ जीने आ। उहदे अंदर सिमरन आ, सेवा आ, सारा साडा रहनी रहत दा संकल्प वड्डा हिस्सा जिहड़ा वो इस तरीके नाल है कि जीवन दे विच शुभता ते चंगियाई आ सके। इत्थे साहिब ने बयान ये किया, कहने लगे गल यह है कि कलियां गल्लां बातां नाल कुछ नहीं होना, अनेक बातां सब कर रहे। गुर कर ले आया, कर ले आया, जिहड़ा गुरु दा थॉट आ उस वडियाई उस सुनेहड़े नूं हिरदे घर तक लिया सकदा, भाव सानू दे काबल बना सकता है। रहाओ तां बंदिया, हुण शुरुआती पदे च आ जाइए। महाराज कहिंदे अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, अटल बचन साधु जना। ये गल रही है रब कित्थे है, किन्ने वेख्या, रब है कि नहीं है, वड्डी डिबेट रही। लोग कहिंदे कोई बंदा रब नूं प्रूव नहीं कर सकता। ईवन साडे घर दे बड़े बड़े दानशमंद लखारी, रब इक कुंचलदार पहेली, रब इक गोरख तंदा पेच, इस दे खोलन लग्या काफर हो जे बंदा। क्या ये बड़ा वड्डा गोरख तंदा आ, ये बड़ी वड्डी गुंजलदार पहेली है, जिन्नी सुलझाओ उन्नी उलझदी है। ये सब चीज़ां रहियां, पर बाणी च मुकामी बचन है, जिवें आही बचन है महाराज बयान करदे, अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया। जिहड़ा साधु का बचन है अटल है। हुणे साधु बाबा कबीर जी ने, भगत रविदास जी ने, जिन्हां ने एक निश्चय का जीवन जिया, बिलीव का जीवन जिया। तो बिलीव यह सीगा कि जिंदगी किसी अध्यात्मी अते आत्मक असूलों नूं समर्पित होकर जीनी है। उथानख कहती है भगत रविदास जी नूं हाकम ने पकड़ लिया, शिकायत हुई बकायदा तौर पर भी ये शूद्र हो के अछूत हो के धर्म की गल करता है, धर्म के राह पर तुरदा, उहदा रब का सिमरन करता है। इस किस्म की गलबात जिवें आम करके रही समाज दे विच। ते कहिंदे ने भगत रविदास जी नूं डराया गया कि देख जे तू इस अपनी नापाक जबान तो मीन, जिवें उह शास्त्रां ते पुराण च लिखिया गया कि अछूत है तू, अपवित्र है, रब का नाम लिया ना तेनों कट देंगे, इहनूं जिहड़ा आ वढ दिता जाएगा। बाबा रविदास वो कहिंदे अच्छा तुसी जीभ कट्टोगे मेरी, जीभ ते एक पासे छड्डो, कहां भयो जो तन भयो छिन छिन। की होया जे तन ही खीन कर दियो, तुसी टोटे टोटे कर दियो पूरा, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। मेरे अंदर इस चीज़ का कोई डर नहीं कि तुसी मैनू इन्ना इन इन इस रूप में लै आओगे। हाँ जिस चीज़ का डर है मैनू वो है कि मेरे ते रब की प्रीत ना टुट जाए, मेरी तो उहदी जिहड़ी सांझ आ वह ना टुट जाए। सो एक साधु बचन इस किस्म दे नाल जिन्होंने अटल पदवी प्राप्त की कि भाई करतार की उस अहसास विच जीना, तो ये जीवन अल्टीमेटली उहदे अंग संग रहण दे नाल, उहनूं अंग संग मनण दे नाल जीवन दे च इक हुलारा आउंदा, इहदी अपलिफ्टिंग हुंदी है। इत्थे साहिब ने बयान किया अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, बाकी उह रब कित्थे है किन्ने वेख्या आ। बाणी कहिंदी सब मैं प्रगटाया, साधु जन कहिंदे सब विच ते प्रगटिया, सब विच ते मौजूद आ। तेनू बंदे दी शकल सूरत, बंदे दी मूरत, बंदे दा रूप रंग, ये भला चंगा माड़ा वधिया गलत लग सकता है। अकाल पुरख वाहिगुरु ने सब नूं बनाया, शब्द पढ़दे हां माटी एक अनक भांत कर साजी साजन हारे, इक्को माटी तो साजन हारे ने सारी दुनिया के सारे मनुख साजे। असी सारे एको रब की पैदाइश हाँ, उहदे चों आए हाँ। जदों अध्यात्मी तल ते बंदा इस जगह पर आ जाता फिर उहनूं इह साधु का बचन समझ आउंदा, ते सब मैं प्रगटाया, सब विचों प्रगट होया नज़र आउंदा, दिसदा उस
वचन आया अटल वचन साधु जना सब में प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग तिस पेटा हर राया। जिस जन होवा साध संग, पर जिस जन नू, जन दा मतलब है जानन वाला, चीनन वाला, समझन वाला, जानकारी रखन वाला, जिसने इस चीज नू एक्यूमुलेट कीता आ किते अपने अंदर उस लैवल ते परसीव कर लिया आ, उहदी बात कीती, जिस जन होवा साध संग तिस पेटा हर राया, उसनू हरी राय भेटत हो जाता, अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल मुलाकात हो जाती, ये बात कीती गई। अगले रा बचन च लिखिया आ, शरण परे की राखता ना ही सहसाया। शरण परे की, जो उहदी शरण आउंदे उहनां दी लज पालदा, ना ही सहसाया। सहसाया कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए, कोई सहसा नहीं गा इस गल दे विच, ये निश्चा ही है। जिवें असीं हर रोज सवेर समय महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, फिर यह बिलीव है कि जुगां जुगांतरां तो भगतां दी लज पालदा आया है। अज भी वक्ती तौर पर बंदा डर जांदा है, पता नहीं चंगियाई दे राह दे उत्ते चलिया मैं जेतू होवांगा कि नहीं होवांगा, हार ही ना जावां किते, अच्छियाई दे पक्ष दे पूर्ण नाल मैनू किते कुछ नुकसान ही ना हो जाए। बाबा जी कहिंदे ना, सच कल भी जेतू है, सच अज भी जेतू है, सच आउंदे कल भी जेतू होएगा। ते सहसाया, तेनू ही भुलेखा आया, कूड़ निखुटस नानका औड़क सच रही। औड़क नू उहदी ही जय जयकार आ। इत्थे बचने आ रहा महाराज बयान कर दे कि शरण परे की राखता, जो उहदी शरण, जो उहदे ते भरोसा करके तुर पैंदे, ना ही सहसाया, उहनां नू कोई सहसा नहीं रह जांदा, उहनां नू कोई शक नहीं रह जांदा। करम भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। करम भूम हर नाम बोए, करम भूमि सानू सारे नू मिलदी है, जीवन दे विच हर पल सानू कुछ ना कुछ करन लई मिल रहा। वह करना असी किवें है, किसे डर दे अधीन, यू नो इनफ्लूएंस ही हुंदा कुछ करन वास्ते सानू, या किसे लालच, किसे बहुत नैरो माइंडेड थिंकिंग विचों, या एक ब्रॉड लैवल ते एक वास्ट विजन दे नाल, एक परे हुए मन बिलीव सिस्टम दे विच विश्वास दे नाल फिर आप बॉडी करेगा। जिवें बाणी किरसानी की बड़ी गल करती है, जो किरसान बोए किरसानी काची पाकी बाढ़ परानी, या किरसानी किरसान बोए लोचै जियो लाए, बड़ा जी ला के किसी चीज़ नूं चाहता है, लोचदा आ, हल जोता है, उद्यम करे, मेरा पुत धी खाए। वह जिस दिन, हालांकि अजकल तो हालात बदल गए, जो आप थोड़ा ट्रेडिशनल लिटरेचर पढ़ते हैं पुराने समय तो आपनूं पता लगेगा, बहुत ज़्यादा लोगों के कोल अनाज नहीं सी हुंदा, खास करके जो फ्यूडल सिस्टम या ब्रिटिश उत्थे मौजूद आ उस समय की गल ज़्यादातर हुई, तो उहदे च इह हुंदा कि थोड़ा जिहा अनाज है, कणक है, तो सपोज करो कणक खेतों च बीजण का टाइम आ गया, तो घर दे विच खाण लई भी घट आ पर खेतों च बीज नहीं पैगी, तो बच्चे कहिंदे भी डैड जे तुसीं आ बीज दिओगे बाहर तो वट वी गुना ईट, सानू असू खावांगे की, तो कहिंदा कोई गल नहीं बच्चे, आपां ना अगले तीन चार महीने पांच महीने जिन्नी देर तक कणक पक के नहीं घरां खेत तो घर आउंदी, आपां एक टाइम रोटी नहीं खावांगे, आपां घट खा लवांगे, पर छे महीने बाद अपने को बहुत कणक होगी, फिर आप रज के खाया करांगे। लोचा, ये लोचा खाश है उहदी, तो वह करता कि उद्यम करता, हल जोंदा तो जाके बीज ये अपने बच्चियां दे मूँह का नवाला खो के खेतों च बीज दिंदा। सपोज करो जे उन्हूं ये होए पता नहीं खेत च बीज साड़ी ना जाए, मीह ज़्यादा पै गया, फसल ही ना उगे, कितने पए ना, होर ना सड़ जाए, कितने कुछ हो जाए, तो ना उन्हूं विश्वास आ धरती च बीजा हुआ बीज उगेगा, उगे हुए बीज नूं कुदरत वड्या करेगी, वह वड्डी हुई फसल नूं सिट्टे पैणगे, उहदे च दुबारा दाने आबूर होणगे, मेरे घर अनाज आएगा, विश्वास। इस विश्वास विच फिर वह फसलां पकदियां, फिर फसलां दे बोल लगदे। महाराज ने सारा मैटाफोर सिरजिया। इत्थे गुरु बाबा जी ने बयान किया, कहन लगे गल है करम भूम हर नाम बोए। करम भूमि करन लई ते मिलदा सानू सारे नूं कुछ ना कुछ, पर उहदे च हरी नाम एक विश्वास का बीज बीजना भी भाई हाँ नो डाउट मैं गलत भी कर सकना, डर दे विच आ के किसी चीज़ तो फैसला लैण तो ना भी मैं कर सकता, पर जे मैं उहदे ते विश्वास करता मैं सच का बीज बीजांगा। वचन आया करम भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अवसर दुलभाया, वैसे तो मनुखा जन्म ही बड़ा दुर्लभ आ, पर मनुखा जन्म विच हर अवसर
जिड़ी सानू अपॉर्चुनिटी मिलती कुछ भी करन दी, दुर्लभ आ, वो प्रीशियस आ। इस तरह जाणो मतलब जो हुण करन दा मौका आ दुबारा करन दा मौका नहीं बनेगा, ये हुण ही कर सकते हैं। इस तो बाद अगला पल कुछ होर होएगा, कुछ होर करन दा मौका होएगा, पर यह करन दा मौका नहीं होएगा, ये हुण ही करना है। हुणे ही चंगा कर, इसे समय अच्छा कर। भगत फरीद जी ने कहा आज मिलावा शेख फरीद, हुणे ही मिला भी उहदे नाल, पर हुणे ही उठना पएगा। इहनू कहा उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवास गुजार। इहनू असीं कई वारी सवेर सवेर सिर्फ प्रभात सवेर, ना ना ना, हुण सवेर है, हुण जाग, उठ, इस समय इहनू गवा ना। असीं बचन पढ़दे हां मन हाली किरसानी करनी शर्म पाणी, तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। उस च सब उदम की गल करते, हुण ही आही समा। इत बचन आया कि करम भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया, ये दुर्लभ अवसर ही, इनू गवाई ना। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया। बाकी जेड़ा विश्वासी हो जाए उन्हें पता लगता है अंदर बैठा प्रेरणा भी आप ही दे रहा हो, तो जिथे प्रेरणा आ इस रूप में जाणो। जे आप अज का मॉडर्न लिटरेचर पढ़ते हैं या वैस्टर्न या जड़ा हैगा यूरो सेंटर्ड या यूरो जड़ा हैगा यूरोपियन अप्रोच देखते हैं अकेडमिक लैवल से या राइटिंग्स के लैवल से क्लासीफाइड्स एग्जाम्पल्स के रूप के उस तरीके तो सानू ये चीज़ा मिलदी। जिवें डेल कार्नेगी लिखता, वो कहिंदा कि साढ़े अंदर एक आवाज़ आ, इसनू गैबी आवाज़ भी कह दिंदा बिबलीकल या प्री बिबलीकल लिटरेचर, एक गैबी आवाज़ आउंदी है। वो कहिंदे साडे अंदर एक आवाज़ आउंदी, वो आवाज़ सानू सारिआं नू अंदर थोड़ी बहुती सुणदी, कई वार असीं उहनू अवॉयड कर देंदे, तो वह आवाज़ सानू प्रेरदी, कोई चंगा काम करन दा मौका बनदा, आवाज़ कहिंदी काम करे, असीं सुणदे ही नहीं, जदों सुणदे ने उह काम ही नहीं हुंदा। फिर वो आवाज़ जिहड़ी आवाज़ सानू कोसदी, जिन्हों असी गिल्ट कहने बाद दे विच। इत्थे साहब ने बयान किया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, करन कराने वाला आपे आप है, पर करेगा किवें, करेगा तो साढ़े थ्रू ही हो, सानू प्रेरणा देंदा, उसी प्रेरणा वेखते नहीं, सानू आवाज़ देंदा, सानू अकल सोझी कितने दे के विखाउंदा कुछ ना कुछ चलकारा, जिन्हों असी स्पार्क करना कहने, पर वी नैवर पे अटेंशन टूवर्ड दैट साइड। अगला बचन लिखिया महाराज बयान करते पतित पुनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। पतित पुनीत घने करे, कोई एक अद्धा गुनाह होए किसी के अंदर तो धुप सकता है, पर जो बंदा भरिया ही गुनाह नाल होए, डिस्पोज करो ना तुसी कोई चीज़ बहुत जिन साहब ने बाणी बयान किया भी काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस, गुन ही भरिया मैं फिरा, मतलब अंदरों बाहरों सारे लिबड़िया पाया, काला ही काला हो गया, इस तरह बयान किया। या असी ये शब्द पढ़ते हैं महाराज कहते जन्म जन्म की इस मन को मल ला गई, काला हुआ शाह, शाह काला, शाह भी वैसे काले नूं कहा जाता है फारसी दे विच, पर जो बिल्कुल कह लो कि कंप्लीटली जिहड़ा डार्क ब्लैक वजूद ही गवाच गया अपना, कोई कपड़ा कोई एहो चीज़ होए जिहड़ी बिल्कुल ही अपने रूप च होए ना, तो कई बार बंदा कहिंदा भाई ये नहीं धुपनी, है साफ नहीं होनी, सट दे परा। पति तो यह हुंदा है, तो घणा पति जिहड़ा इदों ही वध जाए उहनूं तो कोई भी नहीं सुधार सकता, लोक कहिंदे नासूर बन गया, पर गुरु महाराज कहिंदे गुरु सुधारवादी आ, घणे तो घणे पतित नूं भी वह बचा लैंदा, वह बदल दिंदा, यही उहदी पारस कला आ। इत्थे बचन लिखिआ पतित पुनीत घणे करे ठाकुर बिरदाया, वह ठाकुर का बिरद आ, बिरद कहिंदे सुभा नूं। हुण सपोज करो जिवें साढ़े इत्थे अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी दे विच, भावें स्टेट्स ते भावें कैनेडा दे विच, एक बहुत छोटी जी गिणती है लैस दैन 10% जिहड़ी वैक्सीन कोविड 19 वैक्सीन दे अपोज कर रही है, उसनों दे अगेंस्ट एक पूरा मतलब प्रोपोगंडा चला रही है। इहदे बारे सोशल मीडिया च होर जगह से चर्चा रही कि भाई कम करो जिन्हां दा वैक्सीन स्टेटस जिहड़ा अननोन आ, या पीपल हु आर ओपनली क्लेमिंग और सेइंग दैट दे आर नॉट गोना गैट वैक्सीन एट ऑल, वी शुड नॉट प्रोवाइड हैल्थ केयर टू दैम, ये गल्लां हो रही हैं इस किस्म दे नाल। प्रधाने लोगों ने कहा ना बिल्कुल नहीं, ये सोसाइटी किसी वैलफेयर सिस्टम से बिल्ड कर रहे हैं असीं,
ਇਹ ਬਿਰਧਿਆ ਬਿਰਧੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਜ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨਿਤ ਘਣੇ ਕਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਿਰਦਾਇਆ, ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਮਾਨੁਖ ਜਨ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੁੱਖ ਭਰਮਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭਰਮ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਤ ਰਾਖ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।